मेरा पेमेंट रुका है 2 महीने से, और खाने के लिए पैसा नहीं है और रहने के लिए भी कोई उपाय नहीं है। और अंकल का जो जिसके यहाँ हम लोग खाना खा रहे थे उनका भी पैसा रुका है, होल्ड पड़ा है, और पैसा देने का कोई नाम नहीं ले रहे हैं, और बहुत हम लोग बहुत दिक्कत में हैं। और घर जाने के लिए भी पैसा नहीं है कि हम लोग घर जा चुके हैं। अगर पैसा होता घर जाने के लिए तो हम लोग घर भी जाते, लेकिन पैसा जाने के लिए घर भी नहीं है और कोई उपाय नहीं है सर। जो साइड इंजीनियर है दास के अली सर, वो भी कह रहे हैं कि आप दूसरे के फिनिक्स के यहाँ काम करो, इधर काम करो, लेकिन दास के अंदर ही काम करो, उनका काम प्यारा है। हम लोग का ना प्यारा नहीं है कि हम लोग 3 दिन से भूखे हैं। वो ये नहीं सोचते हैं क्या होगा क्या नहीं, वो सोचते हैं काम करो काम करो, उनको काम प्यारा है सिर्फ। और हम लोग सोच रहे हैं काम तो करेंगे ही, पहले हम लोगों का पेमेंट दें, जो हम लोग खाना खाए हैं जिसका उसका भी दें, पानी का बिल बाकी है, दूध का बाकी है, राशन का बाकी है, मकान मालिक का भी बाकी है, भाड़ा सब कुछ बाकी है, वो दें। उसके बाद से हम लोग को अगर उनका पेमेंट थोड़ा लॉस है तो हम चाहते हैं चलिए ठीक है 20% हम छोड़ते हैं अपने तरफ से, हमारा 80% ही पेमेंट दें, नहीं पूरा दें 80% ही पेमेंट दें, पर कुछ तो दें, हम लोग का कुछ सहारा चाहिए। कोई भी सहारा नहीं है, हम लोग यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है, 2,500 किलोमीटर दूर है, उसके यहाँ जाने के पैदल भी नहीं जा पाए थे हम सर। ठीक है सर, ठीक है। लॉकडाउन में तो था, आदमी जानता था कि यहाँ चले जाएगी, आदमी लॉकडाउन में फंसा हुआ है, लेकिन इस समय कौन जानता है कि लॉकडाउन में फंसे हो। इसमें अगर जाएंगे तो कहेंगे कि ये फ्रॉड कर रहा है, क्या कर रहा है, फ्रॉड ही बहुत चल रहा है। ठीक है, ठीक है। कोई हम लोग का सहारा नहीं है। सोलापूर जिल्ह्यातील पाकणी गावामधील इंडियन ऑइल कंपनीचे जवळपास 10 ते 15 कर्मचारी हे बेमुदत आता आंदोलनावर बसल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय। मागच्या 2 ते 2.5 महिन्यांपासून या कर्मचाऱ्यांचा पगार या ठिकाणी झालेला नाहीये, त्यामुळं ते आता कामबंद आंदोलन या ठिकाणी करत असताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। जवळपास 40 जवळपास कर्मचारी हे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल या ठिकाणाहून आणले गेलेले होते। इंडियन ऑइल ह्या याच्यामध्ये ही क्लायंट कंपनी आहे आणि त्याच्यानंतर त्याची कन्सल्टंट कंपनी जी असते ती आहे केविन इंजिनिअरिंग अँड सर्व्हिस प्रायव्हेट लिमिटेड, आणि त्या कन्सल्टिंग कंपनीच्या खाली जे येतात ते जवळपास 7-8 कॉन्ट्रॅक्टर येतात, त्यापैकी एक आहे दास ऑफशोर। ह्या दास ऑफशोरने सुद्धा सब कॉन्ट्रॅक्ट दिलेले आहेत आणि त्यापैकी एका सब कॉन्ट्रॅक्टरने या जे कामगार आहेत इंडियन ऑइलचे त्यांची फसवणूक केल्याचं ह्यांचं म्हणणं आपल्याला या ठिकाणी ऐकायला मिळत आहे। जवळपास 2 ते 2.5 महिन्यांचा यांचा पगार या त्यांच्या कॉन्ट्रॅक्टरनं ठगून त्यांना तो या ठिकाणाहून पसार झालेला आहे, त्यामुळं या लोकांना आता खाण्याचे सुद्धा वांदे झालेले आहेत। मागच्या 3 दिवसापासून यांना एका वेळेचं जेवणसुद्धा मिळत नाही आहे आणि परत उत्तर प्रदेश, बिहार या ठिकाणी जाण्यासाठी त्यांना वाहतूक प्रवाससुद्धा स्वतःकडे नाही आहे, त्यामुळे आता या कॉन्ट्रॅक्टरवरती इंडियन ऑइल काय कारवाई करतं, ही या मंडळींचा दररोजचा खर्च भागला जातो का, यांचा पगार परत मिळतो का, हाच प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित होतो आहे। विश्वभूषण लिमये, साम टी व्ही न्यूज, सोलापूर।